तो गाइज यहाँ पर आ चुका है हमारा एडसेंस का पिन और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से इसकी मदद से अपने एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई होती हैं। और उसके बाद फिर हम यह भी जानेंगे कि आखिर इस एडसेंस पिन को मुझ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि एडसेंस पिन को आपके एड्रेस तक पहुंचने पर 1 वीक से लेकर के 3 वीक्स तक का टाइम लग सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। सो 16 अप्रैल को मेरे एडसेंस पर $10 कम्प्लीट हो गए थे एंड उसके बाद मुझे मेल आया था कि आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा। तो उसी दिन मैंने अपने पैन कार्ड के थ्रू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया और ठीक उसके 24 आवर्स के बाद यानी कि 17 अप्रैल को मुझे एक और मेल आता है कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद मुझे एक और मेल आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने एडसेंस पिन को मेरे एड्रेस पर भेज दिया जो कि मुझे 2 से 3 वीक्स के बीच मिल जाएंगे। सो आई वॉज वेटिंग एंड मैं श्योर था कि मुझे एडसेंस पिन टाइम पर मिल ही जाएगा। मेरे श्योर होने का कारण यह था कि मैंने वहां पर अपना एड्रेस बिल्कुल सही भरा हुआ था और साथ ही मैंने वहां पर एड्रेस लाइन 2 में अपना फोन नंबर भी दिया हुआ ताकि अगर जरूरत पड़े तो पोस्ट ऑफिस वाले मुझे कॉल कर सके। और हुआ भी यही कि पूरे 8 दिन बाद यानी कि 25 अप्रैल को मुझे पोस्ट ऑफिस की तरफ से कॉल आता है जिसमें उन्होंने कहा कि गूगल की तरफ से आपके नाम पर एक पोस्ट आया हुआ है। और कॉल आने के बाद मैंने पोस्ट ऑफिस जाकर के एडसेंस पिन को रिसीव कर लिया। और इसलिए मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय आप अपना एड्रेस बिल्कुल सही डालें और साथ ही साथ वहां पे अपना फोन नंबर भी दे दें ताकि पोस्ट ऑफिस वाले आपको कॉल कर सके। तो चलिए अब हम इसे ओपन करके देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर इसे पूरी तरह से फाड़ दिया। अब चलिए जरा इसे ओपन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरफ मेरा एडसेंस का पिन दिया हुआ है और यहाँ पे वो स्टेप्स दिए हुए हैं जिन्हें फॉलो करके आप एडसेंस पिन वेरीफाई कर सकते हो और इस तरफ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो चलिए अब हम चलते कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं कि वहाँ पे हम किस तरह से अपने एड्रेस पिन को वेरीफाई करेंगे। सो जब आप अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे ऊपर में आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है योर पेमेंट्स आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। और राइट कॉर्नर पर आपको एक एक्शन बटन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करके आप अपनी एडसेंस पिन को वेरीफाई कर सकते हो। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेगा तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस। तो आप इस डायलॉग बॉक्स की मदद से भी अपने एडसेंस पिन को वेरीफाई कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आइडेंटिटी वेरीफिकेशन के सामने कम्प्लीटेड लिखा हुआ है और एड्रेस वेरीफिकेशन के सामने नीड अटेंशन लिखा हुआ है, मतलब हमें इसे अभी वेरीफाई करना है। सो यहाँ पर नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है और इसी बॉक्स में हमें अपना एडसेंस पिन भरना है। यहाँ पे आपको अपना एडसेंस पिन बिल्कुल ध्यान से भरना है ताकि किसी तरह की गलती ना हो पाए, क्योंकि अगर एक भी डिजिट गलत हो जाता है तो आपको फिर से एडसेंस पिन के लिए रीअप्लाई करना होगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स ही मिलने वाले हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से अपना एडसेंस पिन यहाँ पे भरना है। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर अपना एडसेंस पिन भर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना एडसेंस पिन भर लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से कंफर्म कर लूंगा और यह कंफर्म कर लेने के बाद कि आपने बिल्कुल सही एडसेंस पिन भरा है, आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के साथ साथ एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीटेड दिखा रहा है। और अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देता हूं तो यहां से ये नोटिफिकेशन भी हट जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि ऊपर से एड्रेस वेरिफिकेशन वाला नोटिफिकेशन हट चुका है। सो होप यू गाइज कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे।